नमस्कार दोस्तों, और डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो बड़ा ज़बरदस्त वीडियो है। बुलेट ट्रेन का जो है वो अपडेट आया है, और ये आरएस लाइव वाले भाई जो हैं अपने बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं यार। आप लोग इनके चैनल को जाकर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए भाई, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। लिंक वीडियो का मैंने नीचे दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो बुलेट ट्रेन वडोदरा अपडेट, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 4K। तो भाई चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के कि भाई क्या अपडेट दिख रहा है, ग्राउंड पर क्या चीज़ें दिख रही हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बड़ोदरा में दोस्तों, एक बार फिर से। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बड़ोदरा में बड़ोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम दिखाया था, और आज भी आपको दिखाने वाला हूँ। जिस तरफ मैं जा रहा हूँ इसी तरफ है बड़ोदरा का रेलवे स्टेशन, और उसी रेलवे स्टेशन के आसपास काम भी किया जा रहा है, और उसी के आसपास फिर आपको बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट जो मैं करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ बड़ोदरा रेलवे स्टेशन से, और फिर आपको इसी तरफ लेकर जाने वाला हूँ, मतलब इधर वापस आऊँगा मैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम इस तरफ जो चल रहा है ना अहमदाबाद की तरफ, उसी तरफ हमें और आपको जाना है, और फिर दिखाऊँगा अभी कि कितना कुछ काम हुआ है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कंस्ट्रक्शन का काम दिखाऊँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी, क्योंकि हमें और आपको साथ मिलकर इसी तरीके से देखते रहना है किस तरीके से अपने देश में कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, और किस तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाया जा रहा है। चलो चलते हैं दोस्तों, मज़ा आने वाला है बहुत सारा। तो सामने देखोगे तो ये है बड़ोदरा का स्टेशन, और इसी जगह पर बनाया जा रहा है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क का प्रोजेक्ट, और यहीं पर होने वाला है बड़ोदरा का बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी, जो कि पिलर्स के ऊपर ही होगा। इसी वजह से यहाँ पर देखोगे ना तो पाइलिंग करने के लिए ना मशीन यहाँ पर लाई गई है, ताकि पाइलिंग का फाउंडेशन तैयार किया जा सके। और जिस जगह पर अभी पाइलिंग का काम किया जा रहा ना, इस जगह पर पहले बाइक पार्किंग हुआ करती थी, उसी जगह पर अभी यहाँ पर पाइलिंग का काम किया जा रहा है, और इस तरफ से आ रहा है सामने। इधर अभी आपको पाइलिंग का काम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरफ दिखेगा, और इस तरफ ये आगे बड़ोदरा स्टेशन के बाद फिर जो अगला स्टेशन आता है वो आता है अहमदाबाद का, और इस तरफ ही जाएगा अहमदाबाद की तरफ, और इस तरफ है मुंबई। तो चलिए मैं आपको और भी आगे दिखाता हूँ कि बड़ोदरा स्टेशन और उसके आसपास कितना कुछ काम किया जा रहा है। जैसे अब बाइक पार्किंग हटा दी है भाई, पहले यहाँ पर पेड बाइक पार्किंग हुआ करती थी इस वाले से, अभी भी है, लेकिन ये वाला तो फ्री है भाई, मतलब आपके भरोसे आप बाइक को पार्क कर सकते हो रेलवे स्टेशन के आसपास। सामने यहाँ पर लिखा है बड़ोदरा प्रवेश द्वार, रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार है। आने वाले वक्त में आपको यहाँ पर बुलेट ट्रेन का भी प्रवेश द्वार देखने को मिलेगा। नहीं, ये प्रवेश द्वार वैसा नहीं है, शायद गाड़ियों के लिए आउट करने वाला है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था प्रवेश निषेध, तो शायद ये गाड़ियों के लिए यहाँ से आउट है। पैदल आप आ जा सकते हैं, लेकिन शायद गाड़ियों के लिए आउट है, इन कहीं और से होगा ये, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था, जहाँ तक मैंने देखा कि ऊपर प्रवेश निषेध लिखा हुआ था, जो कि बड़ोदरा स्टेशन का होने वाला है। सामने ये रहा बड़ोदरा का स्टेशन, सुबह सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, अच्छा लग रहा है देखने में ना, अच्छा बना है भाई। और यहाँ पर देखो पाइलिंग के काम के लिए यहाँ पर रिंग भी आपको दिख जाएगा, बहुत ही सॉलिड रिंग आपको दिखेगा, क्योंकि बहुत ही हेवी पिलर्स इसके होने वाले हैं, पिलर्स के ऊपर लोड भी अच्छा खासा पड़ने वाला है, तो इसलिए आपको हेवी भी पिलर्स भी दिख जाएंगे, और काम करते हुए टीम भी। और सामने स्टेशन है, तो ये वाला जो जगह देख रहे हो ना, जहाँ पर अभी कार पार्किंग लगी हुई है, इन सभी जगहों पर भी पाइलिंग वर्क का जो काम है वो किया जाना है, लेकिन फिलहाल आपको अभी यहाँ पर कोई पाइलिंग वर्क का काम नहीं देखने को मिलता है। इस तरफ जब आगे की तरफ बढ़ेंगे अहमदाबाद की तरफ, तो फिर हमें दिखेगा कि ये जो रेलवे स्टेशन के पार्किंग का जो एरिया ना, इसको क्रॉस करने के बाद पाइलिंग का जो काम है ना वो किया जा रहा है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना वो है L&T, जो कि इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में बस अड्डा, और उस बस अड्डे के सामने भी यहाँ पर देखेंगे तो बैरिकेटिंग का काम अभी कर दिया जा चुका है, अभी इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखने का काम है वो किया जाएगा, और फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया जाएगा। तो और कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर भी जो किया जाएगा वो पिलर वर्क का ही होगा, क्योंकि पूरा जो हिस्सा है वो पिलर के ऊपर ही यहाँ पर होने वाला है, तो इसी वजह से पिलर वर्क का ही काम आपको दिखेगा जो कि किया जाना है अभी। और आगे आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ना, तो आपको दिखेगा कि
पिलर वर्क का काम किया भी जा रहा है। और राइट हैंड साइड में ये रहा सेंट्रल बस स्टेशन वडोदरा। अच्छा है ना बस स्टेशन, देख रहे हो। वैसे इस बस स्टेशन के अंदर ना मार्केट भी है, और बहुत बड़ा मार्केट है, और अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। मोबाइल का भी है, कपड़ों का भी है। बहुत अच्छा बनाया भाई इसको सच में। और इस जगह पर बड़ोदरा में जब स्टेशन बनेगा ना, और बड़ोदरा में जो ये रेलवे स्टेशन है और ये जो बस स्टेशन है, दोनों से कनेक्ट कर सकते हो आप। और जब आप आते हो ना भाई वरूच से, तो वरूच में क्या है ना कि वरूच जो स्टेशन है उसके आसपास नहीं बनाया जा रहा है, भरूच स्टेशन से थोड़ा दूर बनाया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको सूरत का अपडेट दिया था कि सूरत में भी, सूरत रेलवे स्टेशन से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूरी पे बनाया जा रहा है सूरत बुलेट ट्रेन का स्टेशन। लेकिन वडोदरा में, अहमदाबाद में या फिर साबरमती में अगर आप देखोगे ना, तो ये जो एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन है या एग्जिस्टिंग जो रेलवे स्टेशन है ना, उसी के ठीक पैरेलल में बनाया जा रहा है बुलेट ट्रेन का स्टेशन। तो ये आपने देखा कि ये वंदे भारत ट्रेन थी जो जाती हुई आपको नज़र आई थी, और ये इसको हम सेमी हाई स्पीड ट्रेन कह सकते हैं, 160 के अराउंड इसको चलाना है। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेन है और ये मेड इन इंडिया है। तो मतलब ये है कि अगर आप इंडियन रेलवे से भी ट्रेवल करते हो ना, तो भी बुलेट ट्रेन को तकरीबन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए देख सकते हो। जी बड़ा मज़ा आएगा जब आप वरूच से वडोदरा या वडोदरा से अहमदाबाद साबरमती ट्रेन के जरिए भी ट्रेवल करोगे, तो आपको दिख जाएगा ये सब कुछ। रेलवे स्टेशन से जब आप आगे की तरफ आओगे ना, अहमदाबाद की तरफ, तो यहाँ पर देखोगे पाइलिंग वर्क का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया जा चुका है। पिछली बार यहाँ पर पाइलिंग वर्क का जो काम है जब मैंने अपडेट दिया था, तो उस वक्त किया जाना था। आज अगर आप देखोगे तो मशीनरी भी आपको दिखेगी जिनकी मदद से फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है, उसके बाद पियर वर्क का जो काम है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो ये जो मिट्टी जहाँ पर देख रहे हो ना, ये सब मिट्टी जो निकाली है, ये एक्चुअली फाउंडेशन जो तैयार करना है ना उसके लिए निकाला है। पूरे हिस्से पर अगर आप देखोगे तो उसी का काम किया जा रहा है पियर को बनाने का, क्योंकि पूरा का पूरा हिस्सा पियर के ऊपर ही होने वाला है, और उसी की तैयारी यहाँ पर की भी जा रही है। ये देखिए, ये जो दोस्तों प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क का, यानी कि बुलेट ट्रेन का, इसकी कुल लंबाई होने वाली है 508 किलोमीटर का, और ये होकर गुजरेगा महाराष्ट्र, गुजरात और दादर और नगर हवेली से भी। इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पिलर्स के ऊपर ही रहने वाला है, लेकिन अंडरग्राउंड भी होगा। तकरीबन 27 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो अंडरग्राउंड रहेगा, जिसमें से 2 किलोमीटर का जो पार्ट है वो समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा, और 468 किलोमीटर यानी 468 किलोमीटर जो होगा वो पिलर के ऊपर होने वाला है। 1,00,000 करोड़ की लागत से ये तकरीबन बनाया जा रहा है, और इसमें स्टेशन होंगे वो 12 बनाए जाएंगे। मैक्सिमम स्पीड इसका होने वाला है ट्रेन का 350 किलोमीटर प्रति घंटे का। ये जो बुलेट ट्रेन है ना, इसमें जो पैसेंजर की कैपेसिटी होगी वो होगा दोस्तों 750, और ये जो पूरा बुलेट ट्रेन है ना भाई, ये चलने वाला है इलेक्ट्रिसिटी से। वैसे मैं आपको बता दूं, 2027 में गुजरात का इसका जो हिस्सा है ना, वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो मैं आपको बड़ोदरा स्टेशन से 10 किलोमीटर आगे लेकर आ चुका हूँ। ये जगह है दशरथपुर, जो कि बड़ोदरा में ही आता है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको दशरथपुर में अपडेट दिया था बुलेट ट्रेन के काम का, तो उस वक्त पे लॉन्चर जमीन के ऊपर था, जिसको पिलर के ऊपर डालना था, जिसकी मदद से पिलर को कनेक्ट करने का काम किया जाना था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर लॉन्चर पियर के ऊपर इंस्टॉल भी कर दिया जा चुका है, और उसकी मदद से एक पियर को दूसरे पियर से कनेक्ट करने का काम भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है सेगमेंट की मदद से, और वही आपको इस वक्त पे दशरथपुर में देखने को मिलता है। ये लॉन्चर आगे की तरफ जा रहा है, इधर बड़ोदरा रेलवे स्टेशन के पास, जहाँ पर बड़ोदरा का बुलेट ट्रेन स्टेशन भी होने वाला है, तो उसी तरफ इस लॉन्चर को लगाया गया है, और उसी तरफ ही आगे बढ़ते हुए पियर को कनेक्ट करने का जो काम है वो कर रही है
टीम इस लॉन्चर की मदद से। यहाँ पर अब देखेंगे बड़ोदरा रेलवे स्टेशन की तरफ, इस तरफ देखेंगे तो पियर बनाने का जो काम है वो अभी इस जगह पर किया जाना है, पियर कैप का भी काम किया जाना है। लेकिन जैसे ही आप अहमदाबाद की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर पियर वर्क का भी काम कंप्लीट हो चुका है और एक पियर को दूसरे पियर से कनेक्ट करने का जो काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बताऊं, ये जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है ना, वो अपने देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे को भी क्रॉस करेगा बड़ोदरा में। जी हाँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। इस जगह पर एलएनटी का कास्टिंग यार्ड भी है जहाँ पर आपको बहुत ही हाईटेक मशीनरी देखने को मिलती है। और खासकर ये वाला जो है ना, ये मेरा फेवरेट है और आई नो मोस्टली लोगों का ये फेवरेट है, और इसे बनाया है एलएनटी ने खास इस प्रोजेक्ट के लिए, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए। अभी यहाँ पे क्या है ना, इस जगह पर पियर को कनेक्ट करने का काम सेगमेंट की मदद से हो चुका है, तो अब इस लॉन्चर को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और उसी का काम करते हुए इस वक्त आपको टीम नजर आ जाएगी। और ये जो बुलेट ट्रेन की परियोजना है दोस्तों, इस पे रात के वक्त भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। तो जब आप वरूस से वडोदरा की तरफ आएंगे तो आपको दिखेगा कि इस पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। तो दोस्तों बिल्कुल इनके चैनल को जाके देखिए, सपोर्ट करिए भाई, ये देश की डेवलपमेंट दिखा रहे हैं और इनके वीडियो से मुझे लगता है कि पाकिस्तानी भाई लोग बड़े उत्साह से देखते होंगे कि क्या क्या हो गया इंडिया में, क्या क्या हो गया इंडिया में। तो जाहिर सी बात है, देख लीजिए बुलेट ट्रेन का अपडेट इन्होंने दिया है और बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है। और चार साल मुझे लग रहा है 2027 में अगर ये इधर वाला काम कंप्लीट हो जाता है और बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए, क्योंकि इधर मुझे लगता है कि चाइना को अगर छोड़ दें तो फिर हम सेकेंड कंट्री होंगे जिसके पास हाई स्पीड ट्रेन्स होंगी इधर, क्योंकि और किसी के पास तो है नहीं इधर। उधर आपका फ्रांस और रशिया और ये लोग सारे तो दूर हैं बहुत, जापान इस इलाके में। तो उम्मीद तो यही है कि भाई लोगों को बड़ा मज़ा आने वाला है। और 508 किलोमीटर बताया था इन्होंने, तो मुझे लग रहा है कि अगर 12 स्टेशन है और 350 की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन तो मैक्स पौने दो घंटे में मुझे लग रहा है कि चलो दो घंटे मिला लो तो दो घंटे में आप अहमदाबाद से मुंबई पहुँच जाएंगे। हाँ, लेकिन ये भी है कि इसका किराया थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन जो लोग हवाई जहाज़ में सफ़र करना नहीं पसंद करते हैं, थोड़ा डरते हैं कि पता नहीं यार वहाँ तो चांसेस भी कम है ना, तो उनके लिए बड़ा अच्छा होगा क्योंकि ये बहुत सिक्योर, सेफ और बहुत ज़बरदस्त ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और जापान की मदद से हम बना रहे हैं। तो भाई जापान में इसे बड़े सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और आज होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बुलेट ट्रेन के एक्सीडेंट्स नहीं हुए हैं, हुए भी हैं, लेकिन बहुत रेयर हैं, बहुत बड़ी कोई तकनीकी खामी आ गई या मानवीय भूल हो गई तो उससे होगा, लेकिन आमतौर पर ये बहुत सेफ एंड सिक्योर है। तो वो दिन देखने में बड़ा मजा आएगा यार, जब बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। दौड़ती क्या, मुझे लगता है कि उड़ती हुई नजर आएगी, बेसिकली मैं अगर कहूँ तो उड़ती हुई नजर आएगी। और बड़ा अच्छा है यार। वैसे दूसरा जो रूट है वो भी शायद फाइनल हो गया है, दिल्ली टू वाराणसी, जो यूपी में अपना बनारस है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बनाया गया है उसको ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो उसके बाद अगर इस पे काम चालू होगा तो 4-5 साल इसमें भी लगेंगे, लेकिन कुल जमा बात यह है कि कम से कम आप जल्दी से जाके अपना टाइम बचा के वापस जाके जल्दी, मतलब जितनी जल्दी थोड़े पैसे लगेंगे बट यह है कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ कवर कर पाएंगे आप और बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।